ये पानी है बिल्कुल ही निकम्मा पड़े, मेरा खुद लीवर ख़राब हुआ था, पानी इतना ख़राब है कि लीवर ही फेल हो जाते हैं आप। नहीं, हमारे यहाँ पानी अब तक नहीं पहुँच पाया, पानी की पाइपलाइन डली थी लेकिन रावतुला मार्ग की वजह से उन्होंने काम को अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़े 2015-16 में कहा था, अधूरा छोड़ा था और उन्होंने लिख के, जल बोर्ड ने लिख के भी दिया था हमें कि भाई आपका पुल बनने के बाद आप लोगों का पानी आ जाएगा उस, लेकिन आज 3 साल पुल को बने हो गए लेकिन आज तक हमारे पानी नहीं आया। कैसे गुजारा कर रहे हैं, कौन सा पानी मिलता है फिर आप लोगों को? बिसलरी का पानी लोग अपने अपने घरों में बिसलरी का पानी पीने में यूज़ करते हैं, बाकी नहाने धोने में ये पानी जो बोरिंग का पानी वो यूज़ करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, किस तरीके से देखते हैं पानी? केवल आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर आप सोसाइटी में भी नहीं आ रहा, आपके प्रजापिता मोहल्ला है इसमें भी नहीं आ रहा, कैसे दिक्कत हो रही है और क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं पानी यहाँ पर सरकार दे पा रही है आप लोगों को? ये केवल एक आश्वासन ही हमें दिया जा रहा है और कितने ही वर्षों से, सबसे पहले हमारा ये गाँव कुएँ के पानी के ऊपर निर्भर करता था, उसके बाद ये बोरवेल लगाए गए हैं, फिर हमें ये आश्वासन मिला था कि भाई हम आपको यमुना का पानी देंगे, किंतु वो आश्वासन आश्वासन ही रह करके रह गया। पानी मिलेगा बाकी आज तक तो पानी मिले ही नहीं हमें। हम रात भर जागते हैं, एक बोरवेल है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा 10,000 की आबादी हमारे है, पानी पीने के योग्य है नहीं, इस पर लिखे स्टिकर लगाए उन्होंने वो मेरे पास रखे हुए हैं, पानी पीने योग्य नहीं है। पीने का पानी तो है ही नहीं, हार्ड वाटर है जिसे हम मतलब जो हमारे रोज़मर्रा के काम है वो होते हैं, पीने के लिए हम बिस्लरी यूज़ करते हैं, कोई आ जाए तो हमें खरीद के लेना पड़ता है पानी, और पूरा मतलब इससे हमारे बाल बाल झड़ना सब, मतलब इतना हार्ड इतना बेकार पानी है यहाँ का।